ओ भाई साहब, ये क्या हो गया भाई? टाइगर 3 इसके पहले 2 दिन का ऑफिशियल ऑफिशियल 100% ऑफिशियल कलेक्शन लेके आ चुका हूँ भाई साहब। क्या जबरदस्त चीज है भाई, तीसरे 2 दिन में 100 करोड़ करने वाली टाइगर 3 तीसरी फिल्म बन गई है पठान और जवान के बाद भाई साहब। और रिकॉर्ड तो भाई जो चीज है वो तो अलग ही है, दिवाली के अंदर सबसे ज्यादा बड़ी ओपनिंग वाली फिल्म बन चुकी है। 2 दिन का आपको मैं ऑफिशियल कलेक्शन बताता हूँ, तो भाई टाइम जाया नहीं करते और शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि भाई हिंदी में पहले दिन जो इस फिल्म ने कलेक्शन किया था वो क्या था, 43 करोड़ का, सिर्फ हिंदी की बात कर रहा हूँ। और यहाँ बात कर लेते दूसरे दिन, तो वो था 58 करोड़ का दूसरे दिन कलेक्शन किया। और भाई साहब जो मैंने कहा था वैसा के वैसा ही हुआ है, जो मैंने फाइनल प्रेडिक्शन दी थी वही के वही हुई है। सिर्फ थोड़ा सा ओवरसीज के अंदर कम आया और वो मैं भूल गया था, वो मंडे का दिन है वहां पे कलेक्शन कम ही आना था। तो भाई बात कर लेते हैं भाई तमिल की, तो तमिल से पहले दिन 0.2 करोड़, दूसरे दिन 0.22 करोड़ का कलेक्शन आया, मतलब के थोड़ा सा बढ़ते हुए कलेक्शन नजर आया। लेकिन यहाँ पे तेलुगु की बात करें तो 1.3 करोड़ का वहां से कलेक्शन है और दूसरे दिन 0.78 करोड़ का। हम देख सकते हैं कि यार वहां पे जब तकरीबन बॉलीवुड मूवी बेशक पैन इंडिया करके भी रिलीज करो तो वहां पे ये मूवी ज्यादा चलती नहीं है, लेकिन जवान ने कंपैरिजनली अच्छा कलेक्शन वहां पे किया था, वो भी क्योंकि एटली कुमार एटली की वजह से जो डायरेक्टर थे उस फिल्म के। अच्छा जी बात कर लेते हैं यहाँ पे इस टाइम पे भाई इसने अब तक 2 दिन में ऑल ओवर इंडिया से कितना कलेक्शन किया है। तो मैं पहले हिंदी की बात कर ले, तो हिंदी से क्या कलेक्शन किया, तो हिंदी से किया है 101 करोड़, और तमिल से किया 0.42 करोड़। और बात कर लेते हैं भाई जान तेलुगु की, तो वहां से किया है 0.2 2.08 करोड़ का। और यहाँ पे ओवरऑल टोटल इंडिया की अगर बात कर लेते हैं तो भाई ऑल ओवरऑल इंडिया से 0.35 करोड़ का कलेक्शन किया है पहले 2 दिन के अंदर। और अगर आप ग्रॉस कलेक्शन की बात कर लेते हैं तो 124.05 करोड़ का कलेक्शन किया है, यानी कि 125 करोड़ तकरीबन पहले 2 दिन के अंदर ग्रॉस किया है इंडिया से, और ओवरसीज से तकरीबन 55 करोड़ का कलेक्शन अब तक टोटल कर चुकी है। वैसे ज्यादा आ सकता था लेकिन वहां पर इतनी ज्यादा छुट्टियां नहीं है ओवरसीज में, इसलिए मंडे का दिन था इसलिए कलेक्शन कम है। लेकिन आप फिर भी देख ले मंडे के दिन के लिहाज से ये कलेक्शन इस साहब तबाही है तबाही। यहाँ पे वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका कितना हो चुका है, तो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका है 180 करोड़। जी हाँ, अब जिस टाइम आप फिल्म देख रहे हैं इस टाइम तक जो भी एस्टिमेट जो भी बजट जो भी कलेक्शन फिल्म कर चुकी है इसके मुताबिक ये फिल्म 200 करोड़ तो बजट पार कर चुकी है। लेकिन अगर हम 2 दिन की बात करें तो 180 करोड़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन फिल्म ने किया, और भाई साहब क्या जबरदस्त रिकॉर्ड बना रही है। जवान और पठान के बाद ये फिल्म बहुत ज्यादा हाइपअप हो चुकी है, हाइपअप झूठी आई अपनी है भाई जान, रियल आई पे इसकी और यहाँ पे नजर भी आ रहा है। और यहाँ पे आप ये देख ले, बेशक जवान पठान से पीछे है लेकिन ये देख ले इसकी जो रिलीज डेट है ये कितनी मैटर करती है। लेकिन भाई जान जहाँ भाई जान है वो उस रिलीज डेट को भाई जान, बेशक दिवाली के दिन कोई निकलना ही पसंद नहीं करता लेकिन भाई जान के लिए हर कोई निकले और पटाखे भी सिनेमा के अंदर बजाए। लिटरली यार सिनेमा के अंदर लोगों ने पटाखे बजाए और सलमान खान की तरफ से उनसे कहा गया कि यार छोड़ो इसको नहीं करना, अपने से करने फिल्म को। और ये वाकई में बड़ी खतरनाक चीज हो सकती थी अगर कुछ भी ऐसा वैसा हो जाता, लेकिन सेव रहे सारे। और अब आप बताएं आपको क्या लगता है इस फिल्म के लिए कि भी कितना कलेक्शन करेगी, क्या ये 1000 करोड़ पर जाएगी, और क्या ये YRF की तीसरी दूसरी फिल्म बन सकती है 1000 करोड़ वाली या नहीं, तो नीचे कमेंट सेक्शन बताएं। तो इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया। हाफिज़, बाय बाय।